जी नाजीन, कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन नाम से सामने आई है। हम स्टूडेंट से आज जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या कहेंगे जो कोरोना वायरस की नई किस्म आ रही है उसके बारे में? जी, जो नया वेरिएंट आ रहा है हमें उससे बहुत उम्मीदें हैं। ओके, एक तो ये है कि छुट्टियाँ मिलेंगी, और जो जीपीए जो अच्छा भला चल रहा था ना वो अब ख़राब हो गया था, जो कि ऑन कैंपस हमने एग्ज़ाम्स दिए थे, तो अब मुझे लगता है कि दोबारा से वो जीपीए अच्छा हो जाएगा। थोड़े घर वालों को और टाइम देंगे। अभी तक आप घर वालों को टाइम ही दे रहे थे ना, तो अभी क्या है? और टाइम देना चाहिए ना, इन लोगों को देख के क्या करेंगे इन लोगों को। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में कोई मजा नहीं? नहीं, कोई मजा नहीं है। आप चाह रही यूनिवर्सिटी बंद हो जाए? बिल्कुल बंद हो जाए। मैं कहती हूँ डिग्री जो है ना हम लोग को ऐसे ही दे दें, घर ही भिजवा दें। मस्त प्लानिंग। तो कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी जो होती है वो एंजॉय करने की एक जगह होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बंद हो जाए। हाँ ना यार, एंजॉय करने की तो जगह है, लेकिन वो उनके लिए ना जिनके साथ को, आप समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा, आप समझाएं। यार कुछ गर्ल्स हैं ना, मम्मी डैडी बच्चे जो उनसे बर्गर बच्चे हैं उनके साथ तो हैं, हमारे हम अकेले स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ तो मतलब पठान लोग ही घूमते हैं और पठानियाँ नहीं घूमती हमारे साथ। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना। और यूनिवर्सिटी 1.5 माह हुआ है अभी ओपन हुई है, और इसमें कोई भी अभी तक नज़र नहीं आई और जिस पे क्रश आया हो। मैसेजेस तो बहुत आते हैं, दूसरे दिन मैसेज आया होता है फैसल यू आर माई क्रश। बहुत चंगा ना मैं। बात कुछ ऐसी है, दो सेमेस्टर ऑनलाइन गुजारे हैं, सुना था यूनिवर्सिटी में लाइफ बनती है और लाइफ लाइन्स मिलती हैं। अच्छा, अभी आए थे, एक सेमेस्टर ही पूरा नहीं गुजरा, समझे तकरीबन 10 वीक्स गुजरे हैं। हम ढूंढ रहे हैं आगे पीछे लाइफ लाइन्स, ढूंढ रहे हैं। अगर दोबारा एकदम यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो फिर हम इस तरह तरसते ही रहेंगे। मतलब अभी तक आपको जो आपका मकसद था यूनिवर्सिटी में आने का वो पूरा नहीं हुआ? सर मकसद ये था, हम आए थे, सोचा था आईआर में आएंगे, हम इधर से एम्बेसडर निकलेंगे। तो अभी पता चल रहा है कि ऐसा करेंगे, इधर ढाबा खोलेंगे। या मरहबा। सर अगर ऑन कैंपस रहे तो हमारी लाइफलाइन भी बन सकती है, और सर इधर बाहर ढाबा लगा सकते हैं हम, कोई आमदन भी होगी, और हमें पता है एम्बेसडर जो बनेंगे।